नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश लोढ़ा जैन एकेडमी के थ्रू आपके सामने लेके आया हूँ एक छोटे से सिलेबस का पार्ट। वो सिलेबस कौन सा है, लेकिन एक मिनट, आपने ये तो नहीं, आप ये अगर सोच रहे हैं सिलेबस कौन सा लेके आया, सीधा मैं सिलेबस की बात पे कैसे आ गया, या फिर मैं डायरेक्ट टॉपिक की बात पे कैसे आ रहा हूँ। तो वेट, इस छोटी सी बात का एक बड़ा साधारण सा उत्तर है। गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर टीचर, सीनियर और बेसिक इंस्ट्रक्टर। तो इस जब अगर कोई वैकेंसी हमारे पास निकली है तो उसके लिए हमारे पास सिलेबस भी गवर्नमेंट ने दिया है, और वो जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, हम उस चीज़ों में क्या पढ़े हैं, उन सब चीज़ों के, उन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ यहाँ पे। इस चीज़ों को, हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। अब एक और सवाल सब दिमाग में आता है कि जो अब तक हम तैयारी कर रहे थे तो क्या वो हमारे लिए इतनी पर्याप्त है कि हम इस चीज़ों, हम इन बातों को, हम इन वीडियोस को ना देखें, हम अपने आप से तैयारी कर लें। या कोई सोचता है कि मैंने अपने आप से तैयारी करी, मैं बीटेक हूँ, मैं एमटेक हूँ, मैंने कंप्यूटर ही पढ़ा है, मैंने अब तक और भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उन चीज बातों के अंदर या उन सब्जेक्ट्स की तैयारी के साथ साथ में मैं अपने आप ही कर सकता हूँ। तो इस बात का भी हम जवाब देते हैं कि आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने एडवांस लेवल पे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, आपने इन सब सब्जेक्ट्स के साथ साथ में और भी कई सारे टॉपिक्स वो डीपली पढ़े हैं, पर आपने ये कब पढ़े हैं, आपने किस तरह पढ़े हैं, और उन सब का हमारे इस वैकेंसी के जो पेपर आएगा उस पेपर और सिलेबस के साथ में किस तरह से संबंध हम बनाए। क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने डिग्री ली है, बट सबसे जरूरी चीज जो कि होगी वो होगी वहां पर टाइमिंग। आप जो भी सवाल हल करेंगे, आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो सब क्या लेंगे, आपका टाइम। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर टाइम निकल गया तो फिर आपके पास क्या रहेगा, हम उस चीज को, हम उस मार्क्स को कहाँ से अचीव करेंगे, और अगर मार्क्स अचीव नहीं हो पाए तो हमारे लिए वैकेंसी का क्या मतलब निकला। सो इन्हीं सब चीजों के लेकर, इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ इसी सब्जेक्ट के लिए। मेरा ना जो सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल लॉजिक सिस्टम, मैं इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करूंगा, उनके प्रैक्टिस कवर करने के बाद में हम जो टॉपिक्स है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से हमारे साथ क्या होगा, जो हमारे पास टाइम है वो टाइम हमें जल्दी से जल्दी निकालना है, और उसमें कम से कम समय में एक्यूरेट आंसर के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में हमें उस चीज को क्रैक करना है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम अगर टाइम रहते हुए चीजों को पकड़ बना लेते हैं तो हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। तो हम इसी चीज के, इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेरे साथ में इस सब्जेक्ट के लिए, डिजिटल लॉजिक सिस्टम के लिए, जो चीजें हम, जो बातें, जो सवाल, जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे, हम उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, हम जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट सेशंस होंगे, उसमें बिल्कुल जी जान से पार्टिसिपेट करेंगे। आप उन चीजों को लेकर हम सवाल पूछेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो सेशंस होंगे हम उसको बराबरी बराबर टाइम पर सॉल्व करेंगे, और इसी टॉपिक्स के अंदर आपको एकदम पॉजिटिविटी के साथ में क्रैक करना है। सो अब इन्हीं बातों के साथ में हम चलते हैं इसके एक छोटे से जो सिलेबस था उसके टॉपिक के ऊपर नजर डालते हैं। तो हम शुरू करते हैं सिलेबस के पॉइंट इंट्रोडक्शन। आप कहीं भी देखेंगे कि इंट्रोडक्शन वर्ड जो आता है वो सबसे पहले लिखा होता है, पर सबसे पहले तो लिख दिया, लेकिन उसमें इंट्रोडक्शन कितना पढ़े हम? हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम आपसे पूछते हैं, या आपसे कोई पूछता है कि भैया कौन है आप, तो कितना इंट्रोडक्शन देंगे आप? आप अपने सालों पुराना इंट्रोडक्शन तो नहीं देंगे ना। तो वही बात है कि हम इंट्रोडक्शन में कितना पढ़े, तो उसी के लिए ही बात करें हम। डिजिटल जो वर्ड आया है, लॉजिक और सिस्टम, इन तीन शब्दों का मीनिंग, इन तीन शब्दों के क्या मायने हैं, और इन तीन शब्दों के ही हमारे पास क्या उपयोगिता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसी के ही जवाब को हम यहाँ पे खोजेंगे। तो उसी के साथ हम शुरू करें इंट्रोडक्शन के साथ में। डिजिटल, इसमें हम ये देखेंगे डिजिटल का मतलब क्या है, और उस डिजिटल के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, जो डिजिट्स अब तक हमने देखे हैं कि 1, 2, 3, 4, तो वो डिजिट्स वो नहीं, इनके अलावा और कौन से डिजिट हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर लॉजिक, अगर हमने डिजिट्स यूज करे हैं तो भाई उनका लॉजिक क्या है, हम यूज क्यों करें उनको, क्या हमारे
डिजिटल जो वर्ड है उसके अंदर लॉजिक्स के बिना काम नहीं हो सकता क्या? सिंपली हम 1 2 3 वो लिखे तो काम हमारा क्या हो सकता है? उसके बाद सिस्टम, तो जो सिस्टम डिजिट्स पे नंबर पे वर्क फंक्शन है, उनकी फंक्शनिंग है, उनके जो लॉजिक है वो उस पे अगर काम करें तो सब कंबाइन एक सिस्टम है, वो पूरा एक सिस्टम कहलाता है। तो वो सिस्टम कौन कौन से होंगे? और आज के हमारी लाइफ में हम जो डे टू डे सिस्टम चीजें देख रहे हैं, हम जो सिस्टम ये डिवाइस है जो हम उपयोग में ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम उन चीजों के हम उन बातों का देखेंगे। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद में जब हम ये बात करें डिजिट्स की, लॉजिक की और सिस्टम्स की, तो ये अपने आप तो नहीं बनेंगे, अब इनको बनाया भी जाना पड़ेगा, इनके लिए हमें लॉजिक भी बनाने पड़ेंगे, और सिस्टम कैसे बनाए उस बातों के लिए हम उनके एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, उनको हम याद कैसे करें, और उनको प्रैक्टिस, टिप्स प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं टिप्स प्रैक्टिस, यानी कि टिप्स के ऊपर हम अपने कम समय में उनको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने ये जान लिया तो हमारे पास सिस्टम्स के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए हम उसके सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो सिस्टम बनेंगे वो कौन से कोड पे काम करेंगे, सिस्टम डिजिटल है तो कोड भी कौन से होंगे, डिजिटल होंगे, अब ठीक है। तो अब वो डिजिटल कोड कौन कौन से हैं और वो सिस्टम के साथ में कैसे एसोसिएट होंगे, ये देखने के बाद में हम आएंगे कि एक नाम अगर मैं आपसे बात करूं बाइनरी कोड, तो बाइनरी कोड अगर है तो वो कैसे काम करेगा। वो कोड बनने के बाद में उस कोड को हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बाइनरी कोड हमारे पास आ गया, उस कोड के बाद में अब वो सिस्टम के अंदर कैसे काम करेगा। सिस्टम एक चीज तो नहीं होती है हमारे पास, हम कोई मोबाइल है, हम मोबाइल में कॉल भी करते हैं, हम मोबाइल से SMS भी भेजते हैं, आप मोबाइल के साथ में वीडियो भी जो है अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, साथ साथ में ही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इतनी चीजें, हर चीज के लिए अलग अलग कोड, वो सेगमेंट वो कैसे काम कर रहा है, तो वो हम इस चीजों के इसका उसका जो बेसिक है वो बुलियन एक्सप्रेशंस है, उसके थ्रू हम जानेंगे कि वो सिस्टम में अंदर कोड्स जो है वो अलग अलग किस तरह होकर और आगे फंक्शन जाते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन, हमारे पास इतने सारे कोड्स हैं, हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन, कॉल, वॉइस, वीडियो, तो वो सब चीजें वो सारी सारी एक साथ कैसे चलती है, वो हम इस चीजों में कोड्स को हम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक के अंदर ये देखेंगे कि अलग अलग कोड के लिए हम अलग अलग सिस्टम कैसे बनाएं, ठीक है। और सिस्टम अगर बन जाता है तो उन सिस्टम को बनाने के लिए हमें लॉजिक फैमिली एक वर्ड आता है, यानी कि सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के बाद में अब उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें। अब इंप्लीमेंट क्या आ गया, हम इंप्लीमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। इंप्लीमेंट का मतलब हमारे पास सीधा साधा सा उदाहरण कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आ गया, हमारे पास जो भी लॉजिक आया है, उस लॉजिक को हमें हमारे सिस्टम के लिए हार्डवेयर फॉर्म में, हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर, तो हार्डवेयर फॉर्म में कैसे बनाएं उसको। अब आपके पास मेरे पास कोई भी इस तरह की फैमिलीज तो अवेलेबल नहीं रहती, तो हम उनको कहाँ से लेके आएंगे, हम उस लॉजिक फैमिलीज के लिए कौन कौन से कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करें और उस सिस्टम को कैसे बनाएं वो हम इसमें देखेंगे। देन उसके बाद में जब हमारे पास सिस्टम बन गया, हार्डवेयर फॉर्म में आ गया, उसके बाद में हम उस हार्डवेयर से क्या क्या फंक्शनिंग करवा सकते हैं, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमने कैलकुलेटर भी यूज किया है, अब उस कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेशंस में एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, तो हम उन चीजों को बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं ये कैसे होंगे, अगर हमारे पास हार्डवेयर है उसके साथ में हमारे पास लॉजिक्स है और लॉजिक के कंपोनेंट्स, तो अगर जो हमारे पास इतनी सारी चीजें पूरा है तो ये सब चीजें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, और ये सिस्टम ही आपके जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करता है, वही ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है, आप जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट को परफॉर्म करेगा। अब ये आई बात कि आप वो सब चीजें जो परफॉर्म करेगा वो आप कैलकुलेटर में भी तो कर सकते हैं, तो फिर हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका छोटा सा सीधा सा आंसर कि वो कैलकुलेटर के अंदर भी जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स वो यहीं से ही इसी लॉजिक से ही इन्हीं तरह के सिस्टम से ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है ना। अब जब हमने ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया
तो जो हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया हमने, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हम क्या करें, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को हम करेंगे प्रोपगेशन, यानी कि हम उस रिजल्ट को क्या यूज करें, हम रिजल्ट का क्या, हमारे लिए क्या मीनिंग है, कोई भी सिस्टम हमारे पास आउटपुट दे रहा है तो आउटपुट का क्या सेंस है, तो वही चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल आया है, अब ये डेटा जो कि डिजिटल डेटा है, वो डिजिटल डेटा इसको हम कहाँ यूज करें और कैसे यूज करें, तो हम इसमें देखेंगे प्रोपगेशन के अंदर। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, हमने कैलकुलेटर में 1+1 किया, 2 आया। अब इस 2 को आपने क्या किया, मोबाइल में आप यूज भी करते हैं या टेक्स्ट भी अगर आपके आया तो वहां पे इसको कॉपी करते हैं, इसको कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं, तो वो डेटा आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके गए आप, ठीक है। तो वो आपने इसमें जो प्रोसेस आ रहा है उसका जो फ्लो है डेटा का, वो फ्लो कैसे क्या होगा वो इसमें देखेंगे। देन आपने डेटा को प्रोपगेट तो कर दिया, पर वो डेटा आपके लिए यूजफुल है क्या, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपने इनपुट दिया, आपने आउटपुट इसको निकाला, पर वो सब चीजें क्या आपके लिए बेनिफिशियल है या वो आपके लिए यूजफुल है। तो उन चीजों को अगर आपके लिए वो यूजफुल होगी तो हम उनको क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए, या फिर हम कभी हमें आगे फ्यूचर के यूज पड़े, जरूरत पड़े तो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक छोटे सा एग्जांपल, कैमरा, हम उसको पिक्चर क्लिक करते हैं, पिक्चर क्लिक करने के बाद में हम क्या करते हैं, अच्छी पिक्चर्स को हम स्टोर करके रखते हैं और जो साफ नहीं आई है, जो अच्छी नहीं है, उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो जो डिलीट प्रोसेस है और जो स्टोरेज प्रोसेस है, दोनों ही कोड्स के ऊपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, बट उन दोनों का क्या हो गया, रिजल्ट आउटकम अलग अलग आ गया। स्टोर के लिए हमारे पास डेटा क्या होगा, एक जो कोड्स और जो एल्गोरिथम है वो सेव हो जाएंगी और जो हमने डिलीट किया वो डिस्कार्ड हो जाएंगी। अब क्या होगा, स्टोर करने के बाद में हम उस डेटा को करेंगे क्या, उस डेटा का क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए हमें यूज करना हो, जैसे फोटो मुझे अगर एक साल बाद की अगर जरूरत पड़ती है मैं फोटो देख सकता हूँ, मुझे जहां भी स्टोर किया मैंने, मैंने अपने मोबाइल में, मैंने अपने मेमोरी कार्ड के अंदर, मैंने अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, या अपने ईमेल तक में, क्लाउड में, तो वहां से मुझे वो फोटो मिल सकता है। और फोटो अगर मिलता है मुझे तो मेरे लिए क्या होगा, सबसे अच्छी बात होगी कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। तो हम उस चीज को स्टोर के बाद में कंप्यूटेशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये जो ब्रीफ पॉइंट्स तो है वो मैंने आपके लिए सब पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं, और वो मेन सिलेबस का जो है वो पार्ट्स, इसके सब पार्ट्स होंगे। अब ये सब करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिस पे आते हैं, तो प्रैक्टिस के अंदर क्या होगा, हम इन सब चीजों को आपके लिए सेशंस में लाएंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, और क्वेश्चंस के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके अंदर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि इन सब चीजों के साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस के जो है वो स्पीड बढ़ गई है, आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कम टाइम में आप रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका बेनिफिट ये है कि आपको जिस एग्जाम में आप अपियर हुए हैं वो एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे, आपने जिस वैकेंसी के लिए आपने तैयारी की है, आप कर रहे हैं, तैयारी कर भी रहे, उन सब चीजों को अचीव कर पाएंगे। बट कैसे, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी के साथ साथ में हम जिस तरह आपसे आप शेयर कर रहे हैं, तो फर्दर इन्हीं चीजों के अंदर कितना हमें पढ़ना है, कौन कौन से इनके सब टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं वो हमें सॉल्व करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे सॉल्व करने हैं, तो हम उन चीजों को आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस जो टॉपिक्स है इनको हमने आगे फर्दर सेक्शन में डिवाइड किया है, जिससे कि हमें क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मिल पाएंगे, और क्वेश्चन अगर ज्यादा मिल पाएंगे तो हमें प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। तो इसके लिए हम कुछ स्लाइड्स जो है आगे चलते हैं। तो मेरे पास ये स्लाइड्स जो आपको है वो शो ये कर रही है कि ये आप सिलेबस हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो ये गवर्नमेंट ने टॉपिक्स हमारे पास लिख के प्रोवाइड किए हैं, और इसके बाद में इनके अंदर कितना डीप में पढ़ना है और इसके अंदर हमें कितना प्रैक्टिस करनी है, वो हम मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड करके आपके लिए तैयार किया है। तो आप इस जो कंटेंट है हमारे पास सिलेबस के, उसके सेक्शंस है, उसको हम डिस्कस करके आपसे बताएंगे आपको कि आपको कितना पढ़ना है इसके अंदर। इस तरह के हमने सेक्शंस डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या होंगे कि सेक्शन जैसे 2, 3, 4, देन 5, 6, 7,
तो ये सेक्शंस क्या होंगे, हर एक सेक्शंस के साथ में हमारे पास क्वेश्चन सेट अवेलेबल होंगे, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके लिए हम चलते हैं कुछ स्टार्टिंग से। फर्स्ट सेक्शन जो कि हमारे लिए क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन के नाम कितना लिखें कितना ना लिखें, इंट्रोडक्शन के नाम कितना पढ़ें, इंट्रोडक्शन में हमारे लिए कितना जरूरी है, हम किसी से कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं। हमारे लिए अगर कोई काम की चीज है तो हम उससे क्या करते हैं, डीपली इंटरेक्ट होते हैं। हमारे लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो हम उससे क्या करते हैं, एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, हम उससे अपनी चीजें डिस्कस करते हैं। अगर इसी तरह तो ये सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन आया तो हम इससे बेसिक जो सिस्टम आ रहे थे डिजिटल और एनालॉग, उनमें क्या डिफरेंस है, हम उन सिस्टम्स को स्टडी क्यों कर रहे हैं, एनालॉग हम पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से और डिजिटल फॉर्म में हम पढ़ते आ रहे हैं क्या है, हम वो स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम डिजिट्स को यूज क्यों करें, जब सिस्टम डिजिटल है तो उसमें यूज क्या आ रहा है हमारे पास, डिजिट्स की फॉर्म में यूज आएगा, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया। तो हम वो डिजिट्स का यूज क्यों करें, उसे बेनिफिट क्या है, मैं अगर 01 यूज कर रहा हूं, मैं अगर 1 2 3 4 5 यूज कर रहा हूं, उसे बेनिफिट क्या है मेरे पास। मोबाइल नंबर है, सबके डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल नंबर होते हैं, वो क्या है, डिजिट्स। आधार कार्ड है सबके पास, यूनिक आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो क्या है, वो भी आपका डिजिट्स है। यानी कि ये ऐसे डिजिट्स हैं जिनके थ्रू हम एक किसी भी पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू। तो वो चीजें इसके हम तो यहाँ पे ये देखेंगे कि हम इस तरह के डिजिट्स जो है वो इस सिस्टम के लिए, लॉजिक, डिजिटल लॉजिक सिस्टम के लिए कौन कौन से होंगे और वो कौन किस तरह स्टडी करेंगे। देन डिजिटल सिग्नल्स एंड लॉजिक सिस्टम। सिग्नल्स जब डिजिटल कोड यूज आ रहे हैं तो वो कोड किस फॉर्म में अब सर्किट के अंदर फ्लो होंगे, हम उनको कैसे जो है वो कन्वर्ट करके सिग्नल्स को यूज करेंगे, तो डिजिटल सिग्नल्स एंड लॉजिक सिस्टम। वो लॉजिक कौन से होंगे ऐसे जो कि डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर फीचर्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, हम अगर कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास बेनिफिट क्या है, उसका हमारे उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और उन फीचर्स का कहाँ हम यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी सिस्टम को उसको हम यूज करें तो उस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उसको इंप्लीमेंट करें, हम उसको यूज करें और उसको हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट आपका था डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग, डे टू नाइट कितने सारे डिजिटल सिस्टम्स हैं वो यूज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से टाइप के कोड्स हो सकते हैं और उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एग्जांपल दूं मैं आपको राइट नाउ, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कहाँ देख रहे हैं आप, मोबाइल में या आपके टैबलेट या पीसी में, तो अभी आपका एक सिस्टम हुआ किस, तो इस तरह के आपकी डेली लाइफ का एक हम एग्जांपल कुछ एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट फिर आपका आता है सेक्शन 2 जिसके अंदर हमारे पास डिफाइन किया हमने एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का सीधा साधा लॉजिक ये सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ लॉजिक सिस्टम का सीधा साधा मीनिंग, हम जो भी लॉजिक सिस्टम बनाएंगे उसको हम कैसे बनाएं, हाउ कैसे बनाएं उसको, और अगर बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी, या हम उस बेसिक को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका था लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो जनरल टर्म है, एक आपका ऐसा सर्किट जो कि लॉजिक्स को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है। हम उस चीज के बाद में आते हैं ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन, यानी कि जो भी गेट्स है वो गेट्स इनपुट को प्रोसेस करेंगे तो कैसे करेंगे, किस फॉर्म में करते हैं, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपको, कितना आपका आउटपुट प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपका सिस्टम कितना एफिशिएंट हो सकता है। देन लॉजिक गेट बेस्ड आईसीज, अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो सिस्टम को अब हार्डवेयर फॉर्म में प्रैक्टिकल आपके हाथ में अगर कोई सिस्टम आए तो कैसे आएगा, आप ऐसा सिस्टम कैसे बनाएंगे कि जो आप सामने देख सकें, जैसे कि मोबाइल फोन आपका है वो सिस्टम है, वो कैसे बना है, वो लॉजिक गेट्स के आईसीज के बेस पे हम कोई सिस्टम बनाएंगे तो किसे बनाएंगे, हार्डवेयर की फॉर्म में। देन डेटा फ्लो एल्गोरिथम, हमने सिस्टम बना दिया, आईसीज कनेक्ट कर दी, अब कनेक्ट करने के बाद में हम उसके अंदर सिग्नल्स कैसे फ्लो करवाएं, अगर फ्लो करवा रहे हैं तो किस बेस के थ्रू फ्लो करवाएं, अब अगर फ्लो हो रहा है तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व करें, तो वो हम चीजें आते हैं डेटा फ्लो एल्गोरिथम। देन फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है डिजिटल, सेक्शन 3 के लिए डिजिटल कोड्स।
तो हम डिजिटल बात कर रहे हैं, डिजिट डिजिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, डिजिट्स यूज कर रहे हैं, तो उसके डिजिट्स के अंदर कौन कौन से कोड्स हैं? जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था बाइनरी, तो बाइनरी कोड एक टाइप का कोड है, सिर्फ एक सिंगल कोड नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि आपने और भी कोड पढ़े होंगे, नहीं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उस कोड्स को हम एक बाइनरी के अलावा कौन से कोड्स हैं उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के साथ में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स, देन आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो हम कोड तो बनाए, अब उन कोड्स से हम ऑपरेशन कौन कौन से करवा सकते हैं? क्या मैं उनसे एडिशन करवा सकता हूँ? क्या मैं उन कोड्स के थ्रू कोई सब्ट्रैक्शन करवा सकता हूँ? क्या मैं उन कोड्स के थ्रू दो वैल्यूज हैं उनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ मैं? तो ये सब चीजें हम इसके सेक्शन में देखेंगे, इसमें मैं क्या क्या करवा सकता हूँ उस चीज में। देन फिर लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में आपके पास आता है कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाया प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, बट लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। जब आप लॉजिक गेट्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी आपके पास जो भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं, क्या वो सिग्नल सारे हमारे यूजफुल हैं? जो सिग्नल जितने हमारे पास रिसीव हो रहे हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स क्या हमारे हैं उस टाइम पर रिसीव होने चाहिए? ये जो चीजें हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, जो चीजें हमें चाहिए होती वो हम लॉजिकल ऑपरेशन से फाइंड आउट करते हैं। और ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने डेली लाइफ में कैसे एग्जांपल्स हम कहाँ यूज करते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम डेली लाइफ में भी लॉजिकल ऑपरेशंस के बेस पे जो डिवाइस है वो बिल्कुल यूज करते हैं, ठीक है। और देन डिजिटल कोड रिप्रेजेंटेशन, आप जो कोड हम यूज करेंगे, जो हम कोड को डिस्कस करेंगे, हम उनको रिप्रेजेंट भी तो करना होगा। हमने सिर्फ नाम लिख दिया बाइनरी, बट सिर्फ बाइनरी से काम नहीं चलेगा। सिस्टम, मोबाइल, टेबलेट, कोई भी कैमरा, वो बाइनरी वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, वो यूज करते हैं कोड्स, उनका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हम यूज करेंगे, किस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करें, या हम उसको जीरो लिखें, वन लिखें, टू लिखें, या हम उसको क्या लिखें कि हमारे पास जो सिस्टम है वो उन कोड्स को आइडेंटिफाई कर सके, तो हम इस चीज में आएंगे। देन हमने कोड्स भी लिख दिया, अब उस चीज को आगे हम कैसे प्रोसेस करें सिस्टम के लिए, उसके लिए हम आते हैं सेक्शन फोर में। वो सेक्शन फोर होगा हमारे बुलियन एक्सप्रेशन का। इसके अंदर जो भी हमें लॉजिक डेवलप करना है उन लॉजिक्स को हम गेट्स के प्रॉपर्टीज की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उनको हम क्रिएट करेंगे। अब कहते हैं सब एक्सप्रेशन का नाम सुन के क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगी ये? क्या मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही कर पाएंगे क्या ये? या मैथमेटिक्स जिसके पास नहीं है वो कैसे लिखेगा, वो उसको सॉल्व कैसे करेगा? तो इन सब चीजों का एक छोटा सा आंसर, आप अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है। उस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो बुलियन एलजेब्रा है इसके अंदर और मैथमेटिक्स के टिपिकल रूल्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो चीज आपको कहीं भी रुकावट पैदा नहीं करेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बुलियन एलजेब्रा के कुछ रूल्स, कुछ टिप्स जो कि मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद रखने हैं और उन्हीं को ही यूज करके हमें एक्सप्रेशन लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो वो जो हम बुलियन वेरिएबल और लॉज होंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके थ्रू ही हम एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद में हमें उसको मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज का मतलब होगा कि हम एफिशिएंट सिस्टम बनाए, एकदम एक्यूरेट, जो कि हमारा सिस्टम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे, जो कि हमारा एग्जाम का कंसेप्ट भी है। आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उनको सही करिए, नॉट अटेम्प्ट ओनली, हमें सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है, हमें उनको सही भी आंसर सही भी लिखना है। तो वो चीज ही इस तरह की आती है कि हम बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है वो ही भी यही काम करता है। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले, उस तरह के जो एल्गोरिथम है उनको बनाने में सहायता करता है। और उसके बाद में जो एक्सप्रेशन होता है उनको लिखने का तरीका जो होता है वो आपका एसओपी और पीओएस आता है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे एक सेक्शन से में कुछ चीज। अब उसके बाद में सेक्शंस की बात करें अपन नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 5, जो कि शो करेगा कि हम सिंप्लीफाई कैसे करें चीजों को। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई बड़ी बड़ी, हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हमारे पास लॉजिक गेट्स अवेलेबल है, हमारे पास कोड्स अवेलेबल है, बट हम उसको कम टाइम में, हमारे पास और भी कम टाइम है, तो हम उसको ये वर्ड के मैप की हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम के मैप की हेल्प से उस चीज को कम टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट
लॉजिक गेट्स, बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी रहेगी, तो हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेकिन किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने आप को काम नहीं करता। कोई भी चीज आप स्टडी भी करते हैं आप, तो स्टडी भी आप इस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो एक पर्पज है आपका। तो वही चीज यहाँ पे भी आती है कि हम यहाँ पे ये काम किस बेसिस पे करेगा और क्यों करेगा। देन उनके फिर नोमेकल्चर क्या है, हम उनको कैसे लिखेंगे, जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में हम कैसे लिखते हैं, हम इसका क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे बी के ऊपर जो मैंने लिखा है इसका क्या मीनिंग है, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ तो इसका क्या मीनिंग है। तो ये सब चीजें इसमें हम सॉल्व नोमेकल्चर लिखेंगे और सॉल्विंग मेथोडोलॉजी भी देखेंगे कि हमको सॉल्व कैसे करें फर्दर, ठीक है। देन जब हमारे पास पूरा आंसर आ गया, आंसर आने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए वही चीज की डिजिटल आईसीज, गेट्स, नंबर ऑफ गेट्स, वो हम कंप्यूट करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनल हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये होने के बाद में फिर हमारे पास आता है लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिली कहाँ यूज आएंगी, कि हमने जो लॉजिक गेट्स की बात करी है, भाई वो गेट्स है वो भी तो बने होंगे ना कैसे ना कैसे, हमारे पास जो मोबाइल है, हमारे पास जो फैन लाइट, वो भी तो कहीं ना कहीं से बनते ही है, तो वो बनते कैसे हैं, हम बनाने के लिए टेक्निक्स कौन सी यूज करें कि हमारे पे अच्छा बने, अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी क्वालिटी का बने। तो उन चीजों के लिए हम लॉजिक फैमिलीज की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर ये आता है कि हम जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस टेक्नोलॉजी से बनाए, जो बने हैं उनको हम कौन सी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं जिनको हम यूज करें। उनमें से एक नाम जैसे आपके आया है सिलेबस में TTL, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये आपका टर्म जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करते हैं लॉजिक गेट बनाने के लिए। अब इसके ही हम जो लॉजिक गेट्स यूज कर सकते हैं, या एक CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस टेक्नोलॉजी से बने हुए लॉजिक गेट्स भी यूज करते हैं हम। तो इस दो टेक्नोलॉजी के जो गेट है वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे। इनमें से भी कौन सा बेस्ट है, सबसे फास्ट कौन सा है, और हम किसी एक को ही यूज क्यों करें, वो फीचर्स वो भी हम इसी के अंदर एप्लीकेशन और इसके अंदर स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में आपका आता है सेक्शन 7, ये शो करता है, ये हम इसीलिए स्टडी करेंगे कि हमने लॉजिक फैमिलीज के थ्रू, हमने एक्सप्रेशन मेथोडोलॉजी के थ्रू एक सिस्टम इंप्लीमेंट तो कर दिया, पर उस सिस्टम से हम काम क्या करवाना है। आपके पास एक मोबाइल है, पर उस मोबाइल से वो काम क्या लेना है, आप एक मेरा वीडियो देख रहे हैं, बस इस वीडियो का पर्पज है, इससे आप क्या काम लेंगे, इससे इनके जो कंटेंट है उससे आप कैसे यूज करेंगे। तो वही चीजों का सवाल जो है, वही बातें हम इस चीज के सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि एक सिस्टम है मेरे पास, एक सिस्टम मैंने बना लिया, अब उसको मैं यूज कैसे करूँ, उसे कौन सा ऑपरेशन मैं परफॉर्म करवाऊँ, उसे कौन सा टास्क दूँ मैं। तो वो चीज आपके यहाँ पे आएगी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, जो सिस्टम बनेगा उसे हम एडिशन करवा सकते हैं, उससे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर सबट्रैक्शन करवा सकते हैं, आप उसके इनपुट जो है वो प्रोवाइड करके सिंपली आउटपुट के लिए कंप्यूटेशन करवा सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास आएंगी कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, एडिशन का, सबट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का, आपके नंबर ऑफ बिट्स कितने ऐड कर सकता है वो, क्या एक बार में सिर्फ वन और को ही ऐड, वन और वन को ही ऐड करेगा क्या, तो फिर हमारे सिस्टम काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितने वो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जितने ज्यादा परफॉर्म करता है उतने ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट होगा वो, क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं आपके लिए। देन वो कैसे बनाए, उसको मैंने बना दिया, मेरे को चाहिए जो कि एक बार में 3 बिट्स को ऐड कर सके एक साथ में, अगर मेरे पास 101 है तो तीनों इस तरह की जो बिट्स आ रही है उनको ऐड कर सके एक साथ, मुझे अलग अलग सर्किट नहीं चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसके लिए सर्किट बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम स्टडी करेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि अगर आपके पास बिट दे रखी है तो कैसे डिजाइन करें। देन हमारे पास लॉजिक गेट्स यूजिंग कॉम्बिनेशनल सिस्टम्स, तो इसमें कॉम्बिनेशनल सिस्टम में कौन से लॉजिक गेट्स यूज करने चाहिए या कौन से लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, उस चीज का हम स्टडी करेंगे इसमें। देन उसके बाद में आपके पास ये सेक्शन आता है 8, आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, 1+1 का रिजल्ट भी आपके पास आ गया 10, देन अब उसका क्या करें, हमारे पास डेटा है, उस डेटा के लिए हम ये क्या करेंगे, डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे, उस प्रोसेसिंग के लिए स्टडी करेंगे।
बहुत सारा, आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आपके पास वीडियो भी मेरा चल रहा है, आप मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा था, आप उसको लाइक भी कर रहे हैं और आपको शेयर भी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें जो चल रही है डेटा की, तो प्रोपोगेशन में आ गया, तो अब वो सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी? तो उस चीजों के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग, उसके लिए कौन से डिवाइस काम आएंगे, और डिवाइस अगर हमें पता चल जाते हैं तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, तो वो चीज आता है प्रोसेसिंग एंड फंक्शनिंग में। जो डिवाइस होती है वो होती है आपकी मल्टीप्लेक्सर, तो इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, हम इसको यूज क्यों करेंगे, देन उसको हम डेटा से प्रोपोगेट कैसे करेंगे और इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उस चीज के लिए हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लेक्सर का स्टडी करेंगे हम। देन आपके पास आएगा सेक्शन 9, डिजिटल लॉजिक सिस्टम फॉर डेटा स्टोरेज। आपने डेटा प्रोपोगेट किया, आपने डेटा आगे भेजा, या आपके पास डेटा रिसीव हुआ, अब वो आपके लिए यूजफुल है क्या, आपको रखना है तो आप क्या करेंगे, रखेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे जैसे मेमोरी कार्ड में, आपके हार्ड डिस्क में, और आपके यूजफुल नहीं है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा डिलीट का ऑप्शन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं और डिलीट, एवरीथिंग हैज गॉन। तो वही चीज यहाँ पे, तो वो चीजें कैसे हो रही है, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं, और उस चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सर्किट है वो सिक्वेंशियल सर्किट कहलाते हैं, और डेटा स्टोर करते हैं क्या, वो करते तो कितना डेटा एक बार में स्टोर करते हैं और कैसे करते हैं, इस चीज की यहाँ पे स्टडी करेंगे हम। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आता था फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, अभी कितने होते हैं, कैसे काम करता है वो डेटा, अगर स्टोर करता है तो कितनी देर में करता है, कितनी देर के लिए करता है, इन सब सवालों के जवाब हम इस सेशन जब स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे। इसके बाद में इनके फीचर्स और कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स और उनकी फंक्शनिंग, वो हम इसमें स्टडी करेंगे जो कि डेटा स्टोर करता है। लास्ट सेक्शन आपके पास आता है सेक्शन डेटा कंप्यूटेशन। आपने डेटा स्टोर किया, आपने डेटा को कॉपी करके रखा, कुछ यहाँ पे भी रखा, और सिस्टम के अंदर स्टोर है आपका डेटा, तो वो उसका स्टोर करने के बाद में यूज किया उसका, वो डेटा आपका स्टोर यूज होता है कंप्यूटेशन, यानी आपके डेटा अगर आपको आगे यूज करना है उसको, आप उस डेटा को आगे फर्दर कहीं सेंड करना है किसी काम के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो हम उस चीजों को, डेटा को स्टोर करने के बाद में कंप्यूटेशनल डिवाइसेज हैं जो सिक्वेंशियल सिस्टम ही होते हैं उनके थ्रू भेजते हैं, और हमारे हम क्या करते हैं उसके लिए काउंटर्स यूज करते हैं या रजिस्टर्स यूज करते हैं जो कि डेटा को काउंट भी करते हैं, स्टेट्स को काउंट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, और हम उस चीज के बाद में डेटा को स्टोर करके भी फर्दर रख सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको 10 सेक्शंस के अंदर जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सिलेबस प्रोवाइड करवाया था उस चीज के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमें इस चीज को देखना है, हम इस चीज के अंदर क्या करेंगे, काटना पड़ेगा सर, उस चीज के अंदर क्या होगा हमारे पास कि हम ये देखेंगे कि सिस्टम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, इसके अंदर जितना भी चीजें हमने देखी है 10 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है, उस 10 सेक्शंस का हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके डाउट सेशंस होंगे, तो हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ में ही ये सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो भी तैयारी हमारे द्वारा मटेरियल से की है उसका पूरा आपको फायदा मिले, और उसको ही आप लेकर चले तो आपको उसके साथ में पूरे पूरे नंबर के साथ में बाकी के जो एग्जाम्स के सब्जेक्ट उसके अंदर भी सफलता मिले। सो हम इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को मैं आपके यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपके साथ में, और फिर मिलेंगे, धन्यवाद।